दोस्तों, परेशानियां किसकी जिंदगी में नहीं आती, लेकिन कुछ होते हैं परेशानियों को देखकर इधर उधर हो जाते हैं या उनको इग्नोर करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दुनिया में बहुत कम होते हैं लेकिन होते जरूर हैं, कि जो उन परेशानियों को खत्म करके ही आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या दोस्तों, एक बार एक राजा किसी एक सड़क पर बड़ी सी चट्टान रखवा देता है अपनी जनता को देखने के लिए कि वो क्या करती है। अपने सैनिकों को कहता है, और उसके बाद उस सड़क पर वो बड़ी सी चट्टान रखी जाती है, जिसके बाद सैनिकों को आदेश देता है कि तुम लोगों ने इस पर नज़र रखनी है 24 घंटे, और देखना कि कौन इसके बारे में क्या बोलता है और कौन इसको हटाता है, कौन इसको इग्नोर करता है। होता क्या है, 10-12 दिन बीत जाते हैं। इन 10-12 दिनों में बहुत सारे लोग इधर उधर से आते हैं, इधर उधर से जाते हैं। कोई उस चट्टान के इधर से निकल जाता है, कोई इधर से निकल जाता है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो राजा के करीबी भी होते, शहर के व्यापारी होते जो। तो उसके बाद होता क्या है कि वो राजा को भी बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत सुनाते हैं कि राजा ने ये चट्टान क्यों रखवा दी इधर, लेकिन उसको कोई भी हटाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन एक बार होता है कि एक किसान होता है गरीब, जो कि अपनी सब्जियां बाजार बेचने के लिए जा रहा होता है, तो वो देखता है कि चट्टान बीच सड़क में है और इसके कारण सब लोगों को परेशानियां होती है, किसी को घूम के जाना पड़ता है, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो वापस भी मुड़ जाते हैं। तो होता क्या है कि वो अपने पास जो लाठी ली हुई थी उसने उससे कोशिश करता है धीरे धीरे, और उस चट्टान को एक साइड में लगा देता है, मतलब वो सड़क बिल्कुल सही हो जाती है निकलने के लिए। और जब वह अपनी सब्जियां वापस उठाकर चलने लगता है, तो देखता कि जिस जगह से उसने सड़क से चट्टान को इस साइड किया था, तो उस पर एक पोटली पड़ी मिलती है, जिसको वह उठाकर खोल कर देखता है, तो देखता कि उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं और साथ में एक पत्र भी लिखा होता है। जिसके बाद वह गरीब किसान उसको पढ़कर देखता है, और उसमें लिखा होता है कि वह राजा का संदेश है, और जिसमें कि उसने बता रखा कि हम ये देखना चाहते थे कि आखिरकार इस चट्टान को रास्ते से कौन हटाता है। बहुत लोग आए, इधर उधर से चले भी गए, लेकिन आपने यह चट्टान हटाई, जिस कारण आपको यह इनाम दिया जाता है। तो राजा को भी इसके बारे में बताया जाता है, राजा बहुत खुश होता है। जिसके बाद क्योंकि उस किसान ने उस चट्टान को हटाया, खुद की ही नहीं बल्कि दूसरों की परेशानियों को भी समझा, और उस चट्टान को रास्ते से हटाकर एक अच्छा और नेक कार्य किया, जिसका इनाम उसको उसकी पोटली में मिल जाता है। इससे दोस्तों यही साबित होता है कि परेशानियां आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी आई होंगी, हर किसी की ज़िंदगी में आती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि उन परेशानियों से हम कैसे लड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे वो चट्टान थी बीच सड़क पर, तो कुछ इधर से निकल गए, कुछ इधर से निकल गए, कुछ जो परेशानी आई है जिसकी वजह से उसी को गालियां देते गए। लेकिन एक ऐसा भी इंसान आया जो किसान था, जिसने चट्टान को ही दूर करने की कोशिश की, और धीरे धीरे उसने कर भी दी, और जिसके बाद उस परेशानी के बाद जो मिला वो आपको पता ही है। तो दोस्तों ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में होता है, जो लोग परेशानियों से इधर उधर को बच के निकलते हैं या उसको इग्नोर करते हैं, तो उनको और ज़्यादा परेशानी आती है आगे, लेकिन जो उस परेशानी को ख़त्म करके ही आगे बढ़ता है, उसको वही इनाम मिलता है। जो आप अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे ही परेशानियों को अगर ख़त्म करके ही आगे बढ़ोगे, तो आपको भी बहुत कुछ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।